बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सैंडविच की रेसिपी, जो कि चिकन और वेजिटेबल के साथ है और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनी थी। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। और फटाफट चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ, इसके इन्ग्रीडियंट्स आपको बताते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने चॉप गाजर ले ली है और साथ चॉप मैंने खीरा लिया है और साथ ही चॉप मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी ले लिए। साथ ये सॉस बनाऊंगी, जो कि 2 टेबलस्पून मैंने मायोनीज लिए, 2 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है और साथ मैंने तिक्का मसाला बना के रखा हुआ था। पहले से इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें हम यहाँ पे रेडी करते हैं इसकी फिलिंग को। तो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल में मैं तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ फ्राई करेंगे और पानी इसमें डाल के इसे गलने के लिए रखेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो भी टाइम लेता है गलने के लिए। मैंने मैरिनेट करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था और अब हम इसे गलने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये गल जाएगा, पानी इसका खुश्क हो जाएगा, तो इसके ऑफ़ कर देंगे फ्लेम और यहाँ कर देंगे पीसीज इसके बारीक बारीक रेशा, ताकि जो बीच में से वाइट चिकन है इसमें भी अच्छा सा मसाला मिक्स हो जाए। तो ये देखें, मैं बारीक बारीक रेशा इसकी कांटे की मदद से भी कर रही हूँ। तो अगर ये ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको इस तरह कर लें और इसे साइड पे रख दें। रेशा करने के बाद अच्छे से आप इसे बारीक बारीक रेशा कर लीजिएगा, क्योंकि सैंडविच में हमने इसे रखना है तो अच्छे से रेशा होना चाहिए। ठीक है, ये साइड पर हम रखते हैं। अब ये तो हो गया कम्प्लीट हमारा। तो अब हम एक बर्तन में गाजर जो हमने चॉप की थी बारीक, वो ऐड कर रहे हैं। साथ हमने ये बंद गोभी ऐड की है इसमें और इसके साथ हमने शिमला मिर्च थोड़ी सी ऐड की है। सब्जियां सारी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ खीरा ऐड किया है चॉप, उसका पानी निकाल लिया था। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, चाट मसाला 2 टेबल स्पून है इसमें और सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, ये है प्याज जो कि मैंने एक मीडियम साइज़ की थी, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया, काली मिर्च ऐड की। ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मीडियम साइज़ की प्याज भी चॉप ऐड की है मैंने और साथ जो मैंने अभी आपके सामने चिकन का टिक्का मसाला बना के रेशे रेशे कर लिए थे वो भी इसमें ऐड कर दिया, से अच्छे से मिक्स कर दिया। अब लास्ट में इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक इसमें स्टार्ट में ऐड नहीं करना, सारी सब्जियां जो हैं वो नमक छोड़ देती हैं, तो इसलिए पानी छोड़ देती हैं, सॉरी। तो मिक्स कर लिया, चलते हैं जी अब इसकी तैयारी की तरफ सैंडविच की। अब हम ले लिया हमने 2 अंडे और इसमें हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स भी कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे। साथ सॉस भी रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मायोनीज थी, थोड़ी मायोनीज इसमें ऐड करती हूँ मैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जो मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है। चिली गार्लिक सॉस का बहुत अच्छा यहाँ टेस्ट आता है, तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कम लगा तो मायोनीज अभी और ऐड करेंगे इसमें। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो बाकी की मायोनीज थी तो ये भी ऐड कर ली। दोनों की क्वांटिटी बराबर हो गई, 2 टेबलस्पून दोनों चीज़ें ले ली। इसकी सॉस रेडी कर दी मैंने। तो जी, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ये फिलिंग जो है इसमें ब्रेड पे अपने रख रहे हैं। 2 टेबलस्पून मैं रख रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा भी रख लें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम इसे बहुत अच्छे से ऊपर से प्रेस करेंगे। तो ये देखें हो गया। साथ ही मैंने जो सॉस आपके सामने रेडी की थी, ये अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें लगा लिया। अब भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको हम पलट के इस तरह अपने अच्छे से प्रेस करना है इसे, बहुत अच्छे से हाथ से ज़ोर से अपने प्रेस करना है और उसके बाद अपना हम अंडे में इसे डिप कर देंगे, क्योंकि जितना अच्छा प्रेस करेंगे ये खुलेगा नहीं। तो दोनों साइडों से हमने डिप कर लिया और अब हमने गर्म किया हुआ है ऑयल तवे पर, उसमें इसको रख देंगे। तो जी, चूल्हे पे साथ ही हमने ऑयल तवे पे डाला हुआ था पहले से ही 2 टेबलस्पून। तो इस पर हम इसे फ्राई करेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी ऑयल डाल सकते हैं, 3 टेबलस्पून भी आप कर सकते हैं। तो फ्राई करेंगे जब तक निचली साइड एक साइड आपकी अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप साइड ना चेंज कीजिएगा, जैसे कि मैंने जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हुई तो साइड नहीं चेंज की थी। तो ये देखें, अब निचली साइड भी सेम इसी तरह मैं करूँगी तो रेडी हो जाएगा, तो आप मैं इसे डिश आउट करूँगी। आई होप कि आज की सैंडविच रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।